अरुणाचल प्रदेश के कामेंग सेक्टर में शहीद हुए 7 जांबाजों में से 6 का आज पूरे सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। हिमाचल के कांगड़ा जिला के बैजनाथ उपमंडल के महेशगढ़ के शहीद राकेश सिंह, पठानकोट के गांव चक्कड़ निवासी राइफलमैन अक्षय पठानिया, पंजाब के बटाला के गांव मसानिया के गुरबाज सिंह, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिला के लखनपुर के जंडौर गांव के अरुण कटाल, खौड़ के चकमलाल निवासी राइफलमैन विशाल शर्मा और डोरी डगैर के हवलदार जुगल किशोर पंचतत्व में विलीन हो गए। सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से शहीदों को अंतिम विदाई दी। वहीं हिमाचल के हमीरपुर जिला के शहीद अंकेश भारद्वाज का आज अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। बिलासपुर जिला के घुमारवी उपमंडल के सेव गांव के 21 वर्षीय अंकेश भारद्वाज की पार्थिव देह कल यानी 13 फरवरी को सुबह 10 बजे घर पहुंचेगी। शहीद का कल अंतिम संस्कार होगा। हालांकि शहीद की पार्थिव देह देवभूमि हिमाचल पहुंच चुकी है, पर पठानकोट से शहीद के घर की दूरी ज्यादा होने के चलते देरी हो गई। पार्थिव देह को हमीरपुर के बोटा रेस्ट हाउस में रखा गया है। यहां से कल पैतृक गांव ले जाया जाएगा। बोटा से शहीद के गांव की दूरी करीब 22 से 25 किलोमीटर है। बता दें कि 6 फरवरी यानी रविवार को अरुणाचल प्रदेश के कामेंग सेक्टर में गश्त के दौरान हिमस्खलन की चपेट में आने से 7 सैनिक शहीद हो गए थे। करीब 6 दिन बाद शहीदों की पार्थिव देह पैतृक गांव पहुंची। EWN 24 न्यूज़ की तरफ से शहीद जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि।